जो मुकदमा के हवाले से मोहतरम इमरान खान साहब की आज पटिशन थी, मैंने क्वाशमेंट के लिए की हुई थी कि ये साइफर का मुकदमा जो है ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की इज्जत और वकार और नामूस का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है, क्योंकि एक वो शख्स जिसने जो है पाकिस्तान की इज्जत और वकार की खातिर वो डोनाल्ड लू की उस ख्वाहिश को, उस साइफर को जो उन्होंने जो है हमारे मजीद अम्बेसडर को कहा था कि अगर तुम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को चलता करोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा, उसकी उन्होंने जो है ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाके ये मजम्मत करवाई कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, बल्कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिमार्श लिखा। और बाद में हमने देखा कि उसी तरह जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने जब धमकी दी थी और भुट्टो साहब ने जो है राजा बाजार में वो लहराया था कि ये देखो मुझे हेनरी किसिंगर ने धमकी दी है कि अगर तुमने पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। हमने उस वक्त भी हेनरी किसिंगर को तो कुछ ना कहा, हमने अमेरिका को तो कुछ ना कहा, ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने उनको फांसी देकर लहद में उतार दिया। तो ये आज मैंने यही कहा, मैंने कहा जी कि आज ही के दिन 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान जो पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के थे उनको भी एक साजिशी तौर पर शहीद कर दिया गया था। आज भी तिश्ना है कौम, वो सुनना चाहती है कौन से उनके कातिल, कौन से अवामिल थे जिस वजह से पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जिसकी दयानत और अमानत की यानी आप कस्में खा सकते हैं कि एक नवाब जो हिंदुस्तान में सारी जायदाद और जागीर छोड़ कर आया था जब मरा है तो बुनियान उसकी फटी हुई थी और उसे सैकड़ों दफ़ा कहा गया कि आप जो है अपना क्यों नहीं अप्लाई करते जो आप पीछे जागीरें छोड़ कर आए हैं, तो उन्होंने कहा जब तक एक भी शख्स जो मुहाजिर होकर आया है उसको क्लेम नहीं मिल जाता मैं अप्लाई नहीं करूँगा। और उन्होंने अपनी सारी जायदाद जो है वो एक ढेला ने अप्लाई किया और दयानत का ये आलम था कि उनकी बुनियाद फटी हुई थी जब वो मरे हैं। ऐसे में अगर हमने इसी तरह अपने कायदीन को भुट्टो को हमने शहीद कर दिया, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को हमने शहीद कर दिया, और क्या इमरान खान को भी हम फिर वही जो है ताबेदारी और ग़ुलामी करते हुए तकलीद करने जा रहे हैं? तो मैंने यही अर्ज़ किया कि खुदारा देखिए कौम हमेशा आपसे मुतमन्नी होती है, और हमने मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरुआत की है, अदलिया से मायूसी भी हुई है लेकिन हर दफ़ा तारीख आपको मौका देती है। अब भुट्टो की दफ़ा भी तारीख ने मौका दिया, बेनज़ीर का भी तारीख का मौका दिया, लियाकत अली का भी तारीख ने मौका दिया, मौलवी तमीज़ुद्दीन का, लेकिन तिश्नगी है खुदारा। आइए उठें, आप जो है आप कौम आपसे मुतमन्नी है कि आप कौम को इंसाफ दें, लोगों को बुनियादी हकूक़ दें, आइन पर अमलदारी करवाएं, क्योंकि इस वक्त जो है सरजमीन बे आइन बन चुकी है पाकिस्तान। और फिर साइफर के मुकदमे की मैंने उन्हें एक एक शिक पढ़ के सुनाई कि वज़ीर आज़म का ये फ़र्ज़ था वज़ीर आज़म का कि वो कौम को एतमाद में ले कि ये अमेरिका का एक डोनाल्ड लू एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है ये धमकी दे रहा है पाकिस्तान को। तो ये उन्होंने अपने कार्य सरकार की अदायगी में उन्होंने अपना फ़र्ज पूरा किया जब कौम को ये जो है एतमाद में लेकर उनको बताया, तो इसमें कौन सा जुर्म है? और फिर दूसरी बात है इसमें कौन सी तनसीबात जो है ख़तरे में पड़ गई हैं? 1923 के एक्ट का एक एक शिक पढ़ी और मैंने बताया कि ये 1923 का सीक्रेट एक्ट जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 ये ताज बरतानिया ने हिंदुस्तान के वासियों को ग़ुलाम रखने के लिए बनाया था। क्या आज पाकिस्तान की हुकूमत इस्तेमाल करेगी ताकि पाकिस्तानी 25 करोड़ को ग़ुलाम बनाया जा सके और बनाया रहे बदस्तूर रहे? तो खुदारा ये जो कलोनियल ईरा के कवानीन हैं उनके तहत मत पाकिस्तान के अवाम से आज़ादी छीने। और एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, हम उसे जो है पाबा सलासल पहले हटा भी दिया ताबेदारी करते हुए और पाबा सलासल भी किया, और एक एक शिक मैंने पढ़ के सुनाई जिसका इतलाक नहीं होता किसी तौर पर भी, ना ये प्रोहिबिटेड एरिया था क्योंकि ये जंग के ज़माने में बनाई गई थी ये
ये 1923 का एक्ट जो है, तो जंगी कोई ऐसे ताकि राज ना उगले जाएं या नक्शे ना चले जाएं या कोई जो है एटम बम की तनसीबात कहीं और आशकारा ना हो जाएं, ये उसके लिए बुनियादी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट होता है, ना कि पाकिस्तान के अवाम को जो है एतमाद में लेने के लिए। और वैसे भी ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ये प्रोहिबिटेड एरिया में नहीं आती है, इसलिए इसका इतलाक होता ही नहीं है ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट पर। और प्राइम मिनिस्टर के हल्फ में लिखा हुआ है कि वो अपना जज करेगा, बाकी वजीर प्राइम मिनिस्टर के हल्फ प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेकर कोई चीज़ डिस्क्लोज कर सकते हैं। सो आइन की एक एक चीज़ मैंने उनको पढ़कर सुनाई, प्रीएम्बल से लेकर जिसमें जो है और रियासत की तारीफ में सिर्फ अवाम है, उसमें कोई और शरीक कार नहीं होता है, तो रियासत में भी और फिर ताबेदारी और वफादारी रियासत और आइन की है, उस पर खुदारा अमल कीजिएगा, पाकिस्तान के अवाम को जो है उनकी आज़ादी दें और उनको जो है बुनियादी हकूक जो है फराहम कीजिएगा। अभी वो 2 बजे के लिए दोबारा रखा है, हमारी जो है इस्तदलाल आर्गुमेंट्स जो हैं वो हमने कंक्लूड कर लिए हैं, वो मैंने तहरीरी जवाब भी 2 बजे दे देना है और 2 बजे दूसरे फरीक को सुनेंगे और फिर मुझे अगर राइट ऑफ रिप्लाई के लिए कुछ कहना पड़ा तो मैं कहूँगा। सो आपने कहा रियासत